हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम्स पे। आप देख रहे हैं कॉमन एरर का सीरीज जो बेस्ड है SSC के प्रीवियस एग्जाम्स पर। पहले के वीडियोस में हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 115 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें 101 से लेके 105 तक SSC सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट के एग्जाम जो 26 नवम्बर 2006 को कंडक्ट किया गया था उसमें पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ए मिल्क कभी नहीं हो सकता क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या एन का यूज नहीं करते, यानी एरर है पार्ट वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बस्ट इनटू अप्लाउज बट सम चीयर्स वेयर हर्ड टू। देखिए, इसमें पूरे सेंटेंस में दो क्लाउज है, पहला क्लाउज ये और दूसरा क्लाउज सम से शुरू होके टू पर खत्म। ये दोनों क्लाउज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर बट का उपयोग गलत है, एरर है पार्ट थ्री में। ठीक है, बट के जगह एंड का उपयोग करें तो सेंटेंस सही होगा। आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, A lot of form filling is just red tape and sometimes the forms are so complicated that people can't make head or tail from them. गलत, make head or tail of something, किसी चीज को समझ पाना या नहीं समझ पाना। आंसर है 3 में। याद रखिए कि can't make head or tail फ्रॉम समथिंग नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। यहाँ फ्रॉम की जगह ऑफ का उपयोग हो रहा। कांट मेक हेड और टेल का मतलब होता है कांट अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? कांट अंडरस्टैंड। यदि हम बोलते हैं आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ योर वर्ड्स, मीन्स आई कांट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन योर कॉन्डक्ट Within 2 days of the receipt of this letter, इस लेटर के मिलने के 2 दिन के भीतर आपको अपने आचरण का एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, नो एरर, आंसर है 4। ठीक है, नेक्स्ट 105, आई नाउ एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। नो एक ऐसा वर्ब है जिसका कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ उसके बदले प्रेजेंट इंडेफिनिट उपयोग होगा। एरर है पार्ट टू में। नो एक ऐसा वर्ब है जिसे कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनमें पजेशन वाले वर्ब्स हैं, जैसे हैव, बिलोंग टू, ठीक है, ओन, पजेस, ये सब का भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। इमोशनल एक्शन बताने वाले बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे लाइक, लव, हेट, एबोर, डिस्पाइज, डिटेस्ट, ये सब वर्ब्स ऐसे हैं जिनसे हमारे भावनाओं का पता चलता है और इन्हें भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टैटिक वर्ब्स कहे जाते हैं, इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना गलत होता है। ठीक है, चलिए न आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 106, याद रखिए 106 से 115 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर ऑडिट के एग्जाम में 10 दिसंबर 2006 को ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 इस तरह से, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड। देखिए, यहाँ पर स्प्रिंग एक नाउन है, इसके पहले कोल्ड एडजेक्टिव है और हॉट भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव के साथ अलग अलग आर्टिकल्स का यूज कर दिया गया, मतलब कि अब वो नाउन एक नहीं रहा, वो दो झरने हैं वहां पे, एक हॉट कोल्ड, एक हॉट स्प्रिंग है और एक कोल्ड स्प्रिंग है। जब दो झरने हैं तो जाहिर सी बात है कि इसे प्लूरल माना जाएगा और इसके लिए वाज का नहीं बल्कि वर का यूज किया जाएगा, तब सही होगा। एरर है पार्ट थ्री, सिंपल, पार्ट थ्री में ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव एंड और फिर दूसरा एडजेक्टिव, उसके साथ नाउन रहे तो वर्ब कैसा होगा। यदि यहाँ पर कोई आर्टिकल्स नहीं है और शुरू में सिर्फ आर्टिकल्स है, ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि आर्टिकल्स दोनों जगह है, आगे भी और यहाँ पर भी, तब वर्ब यहाँ पर प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आर्टिकल्स एक ही जगह नहीं, दोनों जगह है, ए और ए यहाँ पर,
और तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर देना गलत था, प्लुरल होगा। अब आप पूछेंगे नाउन सिंगुलर रहेगा कि प्लुरल, तो भाई साहब ये नाउन सिंगुलर रहेगा, तो भी प्लुरल का ही अर्थ देगा, सेंस किसका आएगा, प्लुरल का। चलिए नेक्स्ट 107 नंबर, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। बिटवीन क्या है, तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, और इस ऑब्जेक्टिव केस से जो जुड़ा वो भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए ना, तब सही होगा ना। तो एरर किस पार्ट में, तीन में। चलिए नेक्स्ट 108, आइदर ऑफ द रूट्स, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, लीड, यही गलती है, यदि इसमें एस जोड़ दें तो सही हो जाएगा। आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन्स। देखा जाए बच्चों तो बोलचाल के भाषा में इसमें कहीं कोई गलती नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि माई शब्द यहाँ दे दिया गया है, तो बाकी इन दो जगहों पर माई शब्द अननेसेसरी है, ठीक है, सुपरफ्लूअस है, अतिरिक्त है, उसका वहाँ कोई जरूरत नहीं था। जैसे बहुत सारे सुपरफ्लूअस के एरर्स आते हैं एग्जाम में, जैसे आई हैव लीजर टाइम, ठीक है, ही हैज मेड ए ब्लंडर मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ मिस्टेक का उपयोग सुपरफ्लूअस है, लेजर के साथ टाइम का उपयोग सुपरफ्लूअस है। तो इसी तरह जब यहाँ पर बोल ही दिया गया कि मेरे पेरेंट्स के साथ, तो आंट्स के लिए भी यही माई काम कर जाएगा और कजिन्स के लिए भी यही माई काम कर जाएगा, इसीलिए पार्ट टू में यहाँ माई लिखना और यहाँ माई लिखना गलत है, ठीक है, अननेसेसरी है, फालतू है। लेकिन चूंकि हमारे पास दो पार्ट में दे दिया गया है, इसीलिए इसको नेचुरली सही मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दो पार्ट्स में तो एरर नहीं माना जा सकता है, कि यदि हम यहाँ एरर मानते हैं तो तीन में भी एरर मानना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कॉमन एरर के क्वेश्चंस में। तो ये बहुत ज़्यादा आइडियल इंग्लिश नहीं होते हुए भी इसको हम लोगों को सही मान के चलना होगा, और इस तरह से एरर हो जाएगा नो एरर। आंसर चार, ठीक है, फिर से सुन ले कि यदि यहां माई आ गया था तो ये माई और ये माई अननेसेसरी था, उसका जरूरत नहीं था, वहां से सेंस क्लियर हो रहा था, लेकिन यदि हम हटाने लगते हैं तो टू में से भी हटाना पड़ेगा, थ्री में से, यानी एरर टू और थ्री दोनों में माना जाएगा, तो ये किसी भी एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि दो भाग में एरर आप माने, इसलिए इसको इनफॉर्मली करेक्ट मान के आगे बढ़ते हैं। करेक्ट का मतलब हो गया नो एरर। आंसर चार। क्वेश्चन नंबर 110, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन टू इयर्स अगो, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यदि अगो शब्द लगा है, ठीक है, और वो सेंटेंस के अंत में है, तब यहाँ पर कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट होगा। हैव को हटा दें, यहाँ पास्ट वी टू के रूप में काम करने लगेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। एरर है पार्ट वन में, ठीक है। आई पास द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन पास किया था 2 साल पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट। सेंटेंस तक में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ इट अर्थ है, उसके लिए इट का उपयोग सही है, लेकिन जब यहाँ पर वर्ब मूव्स है, मूव्स का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, V5 दिया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ इजंट नहीं होके क्या होना चाहिए, डजंट होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्वेश्चन टैग में डजंट चलेगा, तो एरर किस पार्ट में है, तीन में, एरर थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अनलेस यू डू नॉट, यदि अनलेस से या अनटिल से दोनों में से किसी से भी सेंटेंस शुरू हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव वर्ड दूसरा, जैसे नॉट, नो, ये सब का जरूरत नहीं होता, क्योंकि अनटिल और अनलेस खुद नेगेटिव सेंस देते हैं। तो एरर कहाँ है, पार्ट ए में, ठीक है। अनलेस यू गिव द कीज, अगर आप चाबी नहीं देंगे, ये सेंस आ रहा है, तो अनलेस में खुद नहीं का सेंस आ जाता है, इसलिए नॉट हटाना पड़ा, और नॉट हटा तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ क्या काम, कोई काम नहीं। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 113, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स की, उसमें से कुछ, तो जाहिर सी बात है संख्या की बात हो रही है, तो संख्या के लिए मेनी का उपयोग ना करके मच का उपयोग करेंगे। एरर है पार्ट टू में, एरर है पार्ट टू में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 114 नंबर, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एराइज, अच्छा रेजेस, गलत, देखिए एराइज यहाँ पर क्या एरर है आप जान लीजिए,
arise और raise, ठीक है, और rise, ठीक है, ये तीन वर्ड को आपको सीखना होगा. raise का मतलब increase something, ठीक है, या lift up something, कोई चीज को ऊपर उठाना. rise अपने आप ऊपर उठना. go up. देखिए सन अपने आप ऊपर उठता है, उगता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं द सन इज राइजिंग, ठीक है. लेकिन हम लोग अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, वो अपने आप नहीं उठता है. तो we raise our hands, ठीक है, we raise our hands. चलिए दोस्तों आगे बढ़े हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. वन ऑफ माई डिजायर्स आर, वन ऑफ के बाद डिटरमाइनर्स और प्लूरल नाउन, यहां तक सही है, लेकिन इसके लिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ आंसर किस पार्ट में है, टू में. दोस्तों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 115 कंप्लीट कर दिया. अब तक आप लोग प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स देख चुके हैं, सॉरी नाउन के जितने भी पार्ट्स देख चुके हैं वीडियो, उनमें हम लोग 115 क्वेश्चन तक कर चुके हैं. 250 क्वेश्चन से ज़्यादा करना है तो रिवीजन जरूर करें वीडियो देखकर, और जहां ज़रूरत हो वहां नोट्स भी तैयार करें, ठीक है. 250 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद किसी भी दिन मैं नाउन के कॉमन एरर का एक क्विज कंडक्ट करवा दूंगा लाइव, यदि आप लोग चाहेंगे तो. तो यदि आप चाहते हैं ऐसा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और एक शेयर तो बनता है. लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके पास बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच पाए नए वीडियोज़ का. थैंक यू वेरी मच.